नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर विनोद क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के नवनिर्मित 3 नए जिलों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से ज़िले हैं जिन्हें नवनिर्मित नया निर्माण किया गया है। तो स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पहला ज़िला नागदा है, जिसे उज्जैन से अलग करके बनाया गया है। दूसरा ज़िला चाचौड़ा है, जिसे गुना से अलग करके बनाया गया है। तीसरा ज़िला मेहर है, जिसे सतना से अलग करके बनाया गया है। यही वह 3 नए ज़िले हैं जो नवनिर्मित है दोस्तों। तो इस प्रकार अब ज़िलों की संख्या 52 से बढ़कर 55 हो गई है। 53वां ज़िला नागदा, 54वां ज़िला मेहर और 55वां ज़िला चाचौड़ा होगा। अब जानते हैं इन ज़िलों की विशेषताओं के बारे में। पहला ज़िला नागदा, इसकी पहली विशेषता, नागदा मध्य प्रदेश का 53वां ज़िला बनने जा रहा है। नंबर 2, वर्तमान में नागदा उज्जैन ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया। नंबर 3, नागदा उज्जैन से 30 मील दूर चंबल नदी के तट पर बसा है। नंबर 4, नागदा उज्जैन की एक तहसील है। नंबर 5, नागदा में 11वीं शताब्दी में बनाया गया सासबहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 6, विधायक दिलीप सिंह गुज्जर की मांग के अनुसार नागदा को जिला घोषित किया गया है। नंबर 7, यह उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। नंबर 8, नागदा किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। नंबर 9, नागदा का क्षेत्रफल 120 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 10, नागदा से NH-79 गुजरता है। नंबर 11, यह उज्जैन से अलग होकर नया ज़िला बनाया गया है। दूसरा ज़िला है मेहर। मेहर ज़िले की पहली विशेषता है, मेहर सतना ज़िले से अलग होकर नया ज़िला बना है। दूसरी विशेषता, यह पूर्व में सतना ज़िला का एक नगर था। तीसरी विशेषता, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 34,347 है। चौथी विशेषता, यह अलाउद्दीन खां संगीतकार एवं मां शारदा देवी नगरी के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। नंबर 5, मां शारदा देवी मंदिर से आला उदल का जलाशय दिखाई पड़ता है। नंबर 6, पुरुष साक्षरता 72% और महिला साक्षरता 56% है। नंबर 7, विधायक नारायण त्रिपाठी के मांग पर मेहर को जिला घोषित किया गया है। तीसरा ज़िला चाचौड़ा। चाचौड़ा की पहली विशेषता, चाचौड़ा को गुना से अलग कर नया ज़िला बनाया गया। दूसरी विशेषता, ये गुना की तहसील एवं विकासखंड है। तीसरी विशेषता, इसका प्राचीन नाम चंपावती है। चौथी विशेषता, विधायक लक्ष्मण सिंह की मांग पर चाचौड़ा को जिला घोषित किया गया। ये देखा दोस्तों हमने, सभी की विशेषता देखी, जो नवनिर्मित 3 ज़िले हैं उसकी विशेषता देखी और जाना कि क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।